जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी में हर रोज कितने ही किरदार निभाते हैं। जी हाँ, कुछ प्रोफेशनल, कुछ पर्सनल। कुछ लोग हैं जो इसे सिर्फ अपना प्रोफेशन बनाते हैं। ऐसी ही एक व्यक्ति हैं मंजुल भारद्वाज, जो एक थिएटर डायरेक्टर भी हैं और एक एक्टर भी। चलिए, मूसा रजा ने उनसे क्या बातें की जानते हैं। मेरा नाम शीतल देवदास राठौड़ है। मैं पहला काम करती थी। मैं पहले बाल मजदूरी करता था। मैं पहला झुमका बाकर में काम करता था। मैं पहले कान का बनाती थी। पहले मैं काम करता था टाचनी का, ताड़गोला बेचता था। कान का बाली बनाती थी, गजरा बनाती थी। एक दिन के 10 रुपए कमाता था। रोज का 10-15 रुपए मिलता था। मैं एक्टर बनना चाहती। हर किसी का सपना होता है अपना और अपने परिवार के लिए कुछ करने का, पर मंजुल भारद्वाज का सपना इन सपनों के साथ साथ गरीब बच्चों के लिए कुछ करने का है। उन बच्चों के खोए हुए भविष्य को वापस लौटाने और हर एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए मंजुल ने थिएटर को माध्यम बनाया और इन बच्चों के साथ देश विदेश में अनेक स्ट्रीट प्ले किए। हसरत बहुत थी जिंदगी तुझे जीने की, अफसोस एक और बचपन ना मिला। तो बच्चे लोग कहते हैं कि हमारा भविष्य है, उस भविष्य को वर्तमान में वो आज है। और कोई भी पढ़ा लिखा समाज, कोई भी सभ्य समाज जिसमें बच्चे पीड़ित हैं, तो वो सभ्य समाज नहीं है। मंजुल के पिताजी मंजुल को भी अपनी तरफ फौज में भेजना चाहते थे, पर मंजुल आम जनमानस की आवाज को बुलंद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नाटक को माध्यम बनाकर समाज में क्रांति लाने की शुरुआत की। और जब उन्होंने कहा या सोचा कि हमारे बेटे को सेना में होना चाहिए, तो हमने कहा कि हम सेना का टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं एनडीए का, लेकिन हम जाएंगे नहीं। और उन्होंने हमारे इस बात का सम्मान रखा। राजा, 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 राजा। जब मैंने ये चुना कि मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में, तो बहुत सोच समझ के ये चुना कि मुझे थिएटर करना है, रंगकर्म करना है। में एक नाटक हमने लिखा था, मेरा बचपन, जिसके 2002 तक 12,000 से ज्यादा प्रयोग हो चुके हैं देश में विदेश में। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि 50,000 बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने में मैं, मेरे साथी कामयाब हुए। बच्चे नाटक प्रक्रिया में शामिल होकर बदले हैं। आज जब ज्यादातर मशहूर रंगकर्मी थिएटर से आमदनी की कमी के चलते इससे तौबा करने लगे हैं, वहीं मंजुल अपने आप को थिएटर के नाम समर्पित कर चुके हैं और वो अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं। एक अभिनेता के तौर पर मैंने थिएटर में शुरुआत की और नामचीन लेखकों के, नाटककारों के नाटक मैंने खेले। अभिनय करते हुए मेरे व्यक्तिगत रूप में बहुत बदलाव आया और मुझे लगा मैं एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा हूँ। मंजुल भारद्वाज अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी कई शोज कर चुके हैं। B7 2000 में मेरा पहला नाटक है जो अंग्रेजी में, 7 सितंबर 2000 एक्सपो 2000 में हैनोवर में यूनेस्को की जनरल असेंबली में उसका प्रीमियर हुआ। और अभी हम जो दौरा करके लौटे हैं उसमें युवकों के सपने, इस पे आधारित एक नाटक है विश्व द वर्ल्ड, उसका भी प्रीमियर हैम्बर्ग में हुआ। युवा में आज बस इतना ही। अरे जाने से पहले कॉन्टेस्ट क्वेश्चन तो सुन लीजिए। कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, आपको ये जवाब और हमारा ये शो कैसा लगा हमें लिख के भेजना है हमारे इस पते पर। हमारा पता है युवा द यूथ फोरम, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुल्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 93, इंडिया TVC। हमारा ईमेल आईडी है yuva_theyouthforum@yahoo.com। युवा का सफर यही खत्म होता है, लेकिन अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिएगा युवा, सिर्फ डीडी न्यूज पर।
युवा इज ब्रॉट टू यू बाय वीडियोकॉन।